नमस्कार मित्रों, आशा करते हैं आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, प्रसन्न होंगे, अपने अपने कार्यों में व्यस्त होंगे। आज हम एक काम के सिलसिले में अपने ही नज़दीकी शहर चरखारी आए हुए थे। वहाँ की सुंदरता को देख करके हमारा मन हुआ हम आप लोगों के साथ भी शेयर करें। तो मित्रों, हम आपको दिखाना चाहेंगे ये सुंदर स्थान, जहाँ पर आप देख सकते हैं एक से एक सुंदर जगह हैं। ये देखिए आप, कितना सुंदर तालाब है और ये बहुत लंबा है। बड़ा तालाब है और जहाँ तक मेरा अंदाज है कि आप देख पा रहे होंगे बहुत दूर तक अभी ये तालाब ख़त्म नहीं हुआ है। दोस्तों, ये देखिए, ये बीच तालाब में एक सेल्फी पॉइंट बनाया गया है। आप यहाँ पर सेल्फी ले सकते हैं। छोटा सा पार्क है और यहाँ पर बोटिंग का भी आप आनंद ले सकते हैं। आप देख सकते हैं कितना साफ स्वच्छ जल भरा हुआ है यहाँ पर, और ये बीच बीच में मंदिर भी बने हुए हैं जो प्राचीन हैं। आप देखिए, बिल्कुल निर्मल जल भरा है यहाँ पर। आपको न कोई गंदगी दिखाई देगी और न यहाँ पर कोई पशु पक्षी आपको इस तालाब में दिखाई पड़ेंगे। आप देख सकते हैं बहुत खूबसूरत नज़ारा है यहाँ का। लोग बाग यहाँ घंटों बैठते हैं। देख रहे हैं ये पेड़ों की छाया जरूर पड़ रही है। कैमरा क्वालिटी बहुत अच्छी ना होने के कारण आपको क्लियर नहीं हो पा रहा होगा, लेकिन वास्तव में ये जगह बहुत सुंदर है। ये देखिए आप, ये सब राजाओं की बिल्डिंगें हैं। यहाँ पर उन्हीं में कार्यालय सरकार ने खोल रखे हैं। आप देखिए ये छोटी तोप है, दरवाजे की सुरक्षा में दोनों ओर रखी हुई है। कितनी खूबसूरत नक्काशी है जिसे देख करके मन मोहित हो जाता है। ये देखिए झरोखे हैं, इनमें किसी समय राजा आकर के फरियादियों की फरियाद सुना करते थे। ये देखिए किले की दीवार कितनी ऊंची दिखाई दे रही है और आज ये किला बंद कर दिया गया है। ये सरकारी संपत्ति होना चाहिए जिसको निजी कर रखा है। आप देख सकते हैं ये किला की दीवार कितनी विशाल है। ये किला अंग्रेजों से भी अजीब रहा, अंग्रेज भी इसको जीत नहीं पाए। और जो किला आज किसी के अंडर में है वो राजा भी नहीं है और सरकार के भी अंडर में नहीं है। इसका मतलब है कि ये किला बेचा गया है। क्या ये संपत्ति जो है पुरातात्विक महत्व की होते हुए भी बिकना चाहिए? लेकिन बस सब अंधे नगरी चौपट राजा वाली बात है। यहाँ पर ये देखिए कीला लगे हुए हैं बड़े बड़े, जिससे इस गेट को हाथी भी नहीं तोड़ सकता था। और उस समय हाथी या छोटी छोटी तोपें, ये दो चीज़ें ही हुआ करती थीं किले के दरवाजे तोड़ने के लिए। आप देखिए कितना खूबसूरत लगता है ये देवड़ी दरवाज़ा। अभी हमारे पास ज़्यादा समय नहीं था, कभी अगर आप लोग कहेंगे तो हम इस पर डिटेल में आपको भी देखना है। आप ये भी पुरानी राष्ट्रीय इमारत है, आप देख सकते हैं आज ये कबूतरों का घर बनी हुई है। ये सब पुरातत्व विभाग की कमियां हैं जो इन इमारतों को संरक्षण नहीं दिया जा रहा, क्योंकि अगर यही इमारतें संरक्षित कर दी जाएँ तो आप देख सकते हैं कितने पुराने पुराने किले
आज कितनी अच्छी स्थिति में है। ये एक ऐसे राजा का राज्य था जो अंग्रेजों के समय में भी स्वतंत्र था, और ये यहाँ पर आपको प्राकृतिक दृश्य और प्राकृतिक संपदाओं का आनंद भरपूर मिलेगा। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कितने पहाड़ हैं, तालाब हैं, और जो यहाँ की ज़मीनें हैं वो सब एक से एक उपजाऊ ज़मीन है। ये देखिए प्रेस चौकी बना दी गई है यहीं पर। ये देखिए एक और तालाब है जहाँ से श्री गुमान बिहारी का मंदिर स्पष्ट दिखाई देता है, जो तालाब के उस पार है। लेकिन तालाब आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत है। तो ये है हमारा चरखारी, प्राकृतिक संपदाओं से भरपूर। आप सभी लोग बने रहे, हार्दिक धन्यवाद आप सभी।